नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बहिरंगी यादव। आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल बीगेटे के स्टूडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको आधार कार्ड को वेरीफाई सिग्नेचर किस तरह से करना है, मैंने ऑलरेडी दो वीडियो डाल चुका हूं। अगर आपको भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो फिर से मैं एक तीसरी वीडियो है मैं डालने वाला हूँ, जिसमें आप अपने आधार कार्ड को सिग्नेचर वेरीफाई किस तरह से कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे इनके में भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो है जो सिम्बल है यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला है, तो यहाँ पर मैं अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करूंगा और यहां पर आपको वेरीफाई किस तरह से करना है कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इसको हम यहां से मिनिमाइज कर देते हैं और यहां से आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे आप क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे, गूगल सर्च बॉक्स में हमें टाइप कर देना है एडडबी। आपको यहाँ पर एडडबी का जो है इसी को आपको डाउनलोड करना है, जो मैं अभी यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। तो आपको सिंपल यही जो है सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। तो आपको वीडियो को जरूर देखना है बिना स्किप किए हुए। आपको यहाँ पर देख सकते हैं एडडबी यहाँ पर डाउनलोड करना है, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से देखने के मिलेगा आपको फर्स्ट लिंक, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे आपके सामने जो है इसका कुछ इंटरफेस देखने के लिए इस तरह से मिल जाएगा और यहाँ पर हमें डाउनलोड के ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे यह फाइल यहाँ पर 100% जो है इंस्टॉलिंग होगी। इंस्टॉलिंग होने के बाद आपको यहाँ पर किस तरह से हमें जो है फिनिश यानी इंस्टॉल फिर से करना है अपने सिस्टम में, सारी जानकारी मैं स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये 100% जो है सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पर आपको देखने के मिलेगा ये डाउनलोड हो चुका है। अब हमें यहाँ पर फाइनली फाइल के ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल हमारी जो है इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमें यहाँ से इस पर हमें डबल क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर डबल क्लिक कर देंगे आपको वेट कर लेना है। आपको यहाँ पर यस का ऑप्शन आएगा, यस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे इसको हम यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं, इसको भी हमें यहाँ से मिनिमाइज कर देना है। अब यहाँ पर आपके इस सिस्टम में जो है इंस्टॉलिंग होना चालू हो जाएगा। यहाँ पर कुछ डाउनलोडिंग होगा, ये जो भी इसका सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन है ये सभी चीज़ को यहाँ पर इंस्टॉलिंग यानी प्रोग्रेस डाउनलोड करेगा। तो यहाँ पर आपको वेट कर लेना है, यहाँ पर आपको 5 मिनट से भी ज़्यादा समय लग सकता है। अब यह देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप 100% कम्प्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप में आपको यहाँ पर भी वेट करना होगा, यहाँ पर भी आपको 100% यहाँ पर इसको डाउनलोड होने देना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लगने वाला है, ये थोड़ी देर में जो है 100% कम्प्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपको वेट कर लेना है, इसको फुल आपको इंस्टॉलिंग होने देना है। आपके सिस्टम में जो है नेट कनेक्ट होना चाहिए, यहाँ पर आपको नेट यहाँ से कनेक्ट रहना चाहिए, तभी ये जो है इंस्टॉलिंग प्रोसेस कम्प्लीट हो पाएगा। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर कुछ एरर हो चुका है यानी फेल हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉलेशन फेल हो चुका है। तो यहाँ पर हमें लॉन्च के ऑप्शन पे नहीं क्लिक करना है। अगर आपका फेल हो जाता है तो लॉन्च के ऑप्शन पे यहाँ पर हमें नहीं क्लिक करना है, यहाँ से आपको इसको अनचेक कर देना है और फिनिश के ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे आप फिनिश के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे यहाँ इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। अब आप जो भी आधार कार्ड हमारे व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं, हम यहाँ पर जो है आपको व्हाट्सएप यहाँ पर जो है ऑनलाइन यहाँ पर जो है आपके सामने जो अब आप जो भी आधार कार्ड सेंड करते हैं मैं आपको सामने यहाँ पर देख सकती हूँ एप्लीकेशन के थ्रू आपको यहाँ पर वेरीफाई करके तुरंत ही आपको हैंड ओवर कर देते हैं। यहाँ पर हम कैसे जो भी आपने फाइल जो है अपने आधार कार्ड को सेंड किए हैं, हम यहाँ से उस आधार कार्ड को यहाँ से हमें कॉपी कर लेना है। जो भी आपका आधार कार्ड अभी मिला है यहाँ से हमें इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ से हम कट कर लेते हैं और यहाँ से हम अपने डेस्कटॉप पर लेकर के इसको हम सेव कर लेते हैं यानी डेस्कटॉप पर रख लेते हैं। इसको हमें यहाँ से ओपन कर लेना है। देखिए यहाँ पर कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पर आप जो ये देख सकते हैं ये इन्होंने हमें अपना आधार कार्ड दिए हैं, ये पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं है, तो इसमें हमें कुछ संशय है, यह जो है वेरीफाई नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जो पासवर्ड प्रोटेक्ट है ये 100% वेरीफाई हो जाएगा। तो इसको हम ओपन करके आपके सामने यहाँ पर दिखला देते हैं। यहाँ पर हम इसको ओपन कर पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर हमें पासवर्ड डाल देना, इन्होंने हमें अपना पासवर्ड दिया है। पासवर्ड यहाँ पर आप जैसे ही देंगे तभी यहाँ पर हम जो है आपके जो है आधार कार्ड को वेरीफाई कर पाएंगे। पासवर्ड हमने यहाँ पर डाल दिए हैं और ओके के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से जो है इनका देख सकते हैं पीडीएफ ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 100% जो है वेरीफाई अभी हम कर देंगे इसको। पहले हम इसको करते हैं फिर बाद में उसको करके हम यहाँ पर आपको दिखलाने वाले हैं। तो देखते हैं कौन सा यहाँ पर जो है आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई होता है, तो 100% हो जाएगा। तो हम इस एप्लीकेशन को यहाँ पर आपके हमने अब ओपन कर देते हैं। ये हमारा जो है डाउनलोड एंड इंस्टॉल सक्सेसफुल हमारे सिस्टम में हो चुका है, तो इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। फर्स्ट बेर में आपको यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा, तो आपको यहाँ पर वेट कर लेना।
अब यहाँ पर आपने फाइल को लेना है तो ये डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से कंटिन्यू नहीं करेंगे, यहाँ पे नॉट सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हमें ओपन फाइल की ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, अब आपकी जो भी फाइल है, जैसे हम डेस्कटॉप पे सेव किए हैं तो डेस्कटॉप पे सेलेक्ट कर लेना है और जो भी आपकी फाइल है इसको सेलेक्ट कर लेना है, देन ओपन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ओपन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, अब आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको जो है अपना पासवर्ड को डाल देना है, जो भी आपका पासवर्ड है। पासवर्ड डाल देने के बाद ओके के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे, हम यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन। अभी यहाँ पर जो है इनका आधार कार्ड वैलिडेशन यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब इसको किस तरह से करना है, आपको कोई भी स्टेप यहाँ पर मिस नहीं करना है। इस पर हमें राइट क्लिक कर देना है एंड वैलिडेट सिग्नेचर के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सिग्नेचर प्रॉपर्टी का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको ट्रस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये टू ट्रस्ट सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, देन आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आपको चेक मार्क लगा देना है, तीनों में आपको चेक मार्क लगा देना है। इस तरह से आपको यहाँ सभी को आपको चेक मार्क लगा देना है, या आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको लेकिन लगा देना है। तो अब इस तरह से हमें लगा दें हैं, अब हमें यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। चलिए फाइनली ओके के ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, फिर से हमें यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब फिर से हमें यहाँ पर शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ से हम अभी नहीं क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर वैलिडेट सिग्नेचर के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। तो जैसे हम वैलिडेट सिग्नेचर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे जो है इनका आधार कार्ड जो 100% सिग्नेचर वेरीफाई हो चुका है। अब हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। जैसे हम इसको यहाँ से क्लोज करेंगे, आप देख सकते हैं आपके सामने ही मैंने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया और इसी समय PDF को ले लिया हूँ और ये PDF देख सकते हैं आपके सामने वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरह से अगर आप PDF भेजेंगे तो आपका जो है पासवर्ड जो है यहाँ पर जो है सिग्नेचर वेरीफाई 100% हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर हम अब दूसरा ले लेते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं, आपको इसको सेव कर लेना है। इसको हम कंट्रोल टी कर लेते हैं और जैसे हम कंट्रोल टी कर लेंगे, इसको हम जो है एक PDF में इसको हमें सेव कर लेना है। और हम प्रिंट के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देंगे। जैसे हम प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये हमारा जो है प्रिंट यानी सेव हो जाएगा। अब हमें यहाँ से इसको हमें क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद हमें यहाँ पर न्यू जो अब हमें यहाँ से अब हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर देने के बाद अब हम फिर से दोबारा इसको हम ओपन करेंगे। इस तरह से हम देखते हैं, यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ पर हम सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर ये सेव हो चुका है, यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरा जो PDF हमें मिला है, ये PDF हम इसको हम ओपन करके दिखला देते हैं। इसको हमें इसमें एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। तो इस एप्लीकेशन को हमने यहाँ पर ओपन कर लिया।